सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एंथिक मेकर्स। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेडो रेट के अपडेट के बारे में और एक न्यू पोकीबॉल के बारे में। सो वीडियो में एंड तक बने रहना और कोई पार्ट स्किप मत करना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं कर रखा जल्दी से ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, अगर वो लिंक एक्सपायर हो जाए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं डिस्कॉर्ड पे ही सबसे पहले पोकेमॉन गो की लीक्स और अपडेट के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ, और मुझसे बातें करने के लिए भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें फिर से पोकेमाइनर्स की तरफ से शेडो रेट से रिलेटेड एसेट्स देखने मिल रहे हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर भी सकते हो। सो इनमें से जितनी चीजों की मुझे लीक्स पता चली है मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इन एसिड्स के अंदर जो आप ये बबल्स देख रहे हो ये मैनेफी पोकेमॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर ये पोकेमॉन नहीं होगा तो आपको पॉपलियो पोकेमॉन की एवोल्यूशन लाइन देखने मिल सकती है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह के बबल्स को क्रिएट करती है। और इसी के साथ साथ कुछ में फायर इफेक्ट और वाटर इफेक्ट देखने मिल रहे हैं, जो कहाँ पे यूज होंगे अभी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आप बिल्कुल साफ टीम को रॉकेट की लॉबी देख सकते हो, जो कि पिछली बार इतनी डेकोरेट नहीं करी थी जितनी इस बार कर दी है। और इसी के साथ साथ हमें पोकेमाइनर्स की तरफ से एक न्यू पोकेबॉल के बारे में पता चला है, जो कि एक मास्टर बॉल है। सो ये हमें किस जगह पर देखने मिलेगी इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जैसे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हो शेडो रेट्स के लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अगर फिर भी कोई वीडियो से रिलेटेड क्वेरी रह जाती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी किसी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।